हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, लेट्स लर्न एवरीवन। मैं आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इंग्लिश वोकेबलरी लर्निंग लेसन में हम सीखेंगे कुछ कंफ्यूजिंग इंग्लिश वर्ड्स, जिनको हम होमोफोन्स बोलते हैं, जिनके मीनिंग डिफरेंट होते हैं बट उनका प्रोनंसिएशन सेम होता है। उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करने अगर नहीं किया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। बाल्ट, बाल्ट का मतलब होता है गंजा। इसकी स्पेलिंग होती है BALD। BALD बाल्ट का मतलब होता है गंजा, और BAWLED बाल्ट का मतलब होता है चीखना या ज़ोर ज़ोर से रोना। देखिए, अब यहाँ पर इन दोनों का ही प्रोनंसिएशन सेम है बट इनके मीनिंग और इनकी स्पेलिंग दोनों ही डिफरेंट हैं। फर्स्ट वाले वर्ड की स्पेलिंग है BALD बाल्ट, इसका मतलब है गंजा, और दूसरे वाले की है BAWLED बाल्ट, मीन्स चीखना या ज़ोर ज़ोर से रोना। बैंड, BAND बैंड का मतलब होता है म्यूजिक बैंड, और दूसरा वाला जो बैंड है BANNED बैंड का मतलब होता है प्रतिबंधित या जिस पर रोक लगी हुई हो। तो यहाँ पर भी इन दोनों के मीनिंग डिफरेंट हैं बट इसके प्रोनंसिएशन सेम है। फेयर, FAIR, फेयर मीन्स मेला, या फिर इसका मीनिंग होता है गोरा या फिर न्यायपूर्ण। दूसरा वाला FAIR फेयर होता है, उसका मतलब होता है किराया। तो दोनों के स्पेलिंग डिफरेंट हैं बट इनके प्रोनंसिएशन सेम है। नॉट, NOT, नॉट, नॉट का मतलब होता है नहीं। सेकंड वाला नॉट है, इसका मतलब होता है बंधन या गांठ। दोनों के स्पेलिंग डिफरेंट है, मीनिंग भी डिफरेंट है बट इनके प्रोनंसिएशन सेम है। वेदर, WEATHER, वेदर का मतलब होता है मौसम, और WHETHER वेदर का मतलब होता है यदि या चाहें। फर्स्ट वाले वेदर का मतलब है मौसम, सेकंड का मतलब है यदि या चाहें। दोनों की स्पेलिंग डिफरेंट है। हेयर, HAIR हेयर मीन्स बाल, और HARE हेयर मीन्स खरगोश। यहाँ पर भी देख लीजिए, दोनों की स्पेलिंग डिफरेंट है, इनके मीनिंग भी डिफरेंट है बट प्रोनंसिएशन सेम है। ऑल्टर, ALTER, ऑल्टर का मतलब होता है काटना, काट पीट कर जिसको चेंज करते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं काट पीट के किसी चीज़ को चेंज कर देते हैं, वो बदलना मतलब। सेकंड वाला ऑल्टर का मतलब है ALTAR, इसका मतलब है अग्निहोत्री का साधन या वेदी। प्रिंसिपल, PRINCIPAL, प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रधान या मुख्य, और सेकंड वाले प्रिंसिपल की स्पेलिंग देखिए PRINCIPLE, इसका मतलब होता है सिद्धांत। बेयर, BARE, बेयर मीन्स नंगा। BEAR, बेयर मीन्स भालू, और BEAR बेयर का और भी मीनिंग होते हैं, उसका मतलब होता है कष्ट उठाना या भार उठाना। इसमें देखिए, इन तीनों के मीनिंग डिफरेंट है बट प्रोनंसिएशन सेम है। होल, WHOLE होल का मतलब होता है संपूर्ण या पूरा, और HOLE होल का मतलब होता है बिल। दोनों की स्पेलिंग डिफरेंट है, मीनिंग भी डिफरेंट है बट प्रोनंसिएशन सेम है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रे, PREY, प्रे का मतलब होता है शिकार, और PRAY का मतलब होता है प्रार्थना करना। PREY प्रे का मतलब शिकार, और PRAY प्रे का मतलब प्रार्थना करना। लूज, LOSE लूज का मतलब होता है खोना, और LOOSE लूज का मतलब होता है ढीला। LOSE लूज का मतलब खोना, और LOOSE लूज का मतलब ढीला। यहाँ पर भी स्पेलिंग डिफरेंट है, मीनिंग डिफरेंट है और प्रोनंसिएशन सेम है। अफेक्ट, AFFECT, अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित, और EFFECT अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। AFFECT अफेक्ट का मतलब प्रभावित, और EFFECT अफेक्ट का मतलब प्रभाव।